जनपद मुरादाबाद में लॉकडाउन के दौरान बीएसएनएल विभाग ने अपने ग्राहकों को एक बेहतर सुविधाएं देने की बात कही है, जिसमें ये कहा गया है कि सभी उपभोक्ताओं की वैधता बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। ऐसे में लोग घरों में बैठे हैं और अपने रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं और उनकी वैलिडिटी ख़त्म होने को जा रही है, तो ऐसे में वो परेशान ना हो, बीएसएनएल विभाग ने उनकी अब वैधता बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल का ये कहना है कि ऐसे उपभोक्ता कम से कम 40,000 बताए जा रहे हैं। लॉकडाउन के समय भारतीय दूरसंचार निगम के ग्राहकों की बातें सिर्फ वैधता की वजह से नहीं रुकेंगी। 40,000 ग्राहकों को मुफ्त वैधता देगा बीएसएनएल। लॉकडाउन के चलते बीएसएनएल अपने ग्राहकों के लिए तोहफा लेकर आई है। लॉकडाउन के कारण भारतीय दूरसंचार निगम के ग्राहकों की बातें वैधता के कारण अब नहीं रुकेंगी। बीएसएनएल की ओर से करीब 40,000 ग्राहकों को मुफ्त में वैधता देने का फैसला लिया गया है। विभाग के डीजीएम के अनुसार डिजिटल रिचार्ज करवाने में असमर्थ ग्राहकों को ये सुविधा दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में इंटरनेट कनेक्शन की मांग बढ़ी है, लिहाजा मांग बढ़ने की वजह से सामान भी मेरठ से मंगवाया जा रहा है। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा में बीएसएनएल के करीब 3,46,000 उपभोक्ता हैं। इसमें से करीब 40,000 ऐसे ग्राहक हैं जिनकी वैधता खत्म हो गई है। डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर भुवनेश कुमार शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के समय ऐसे ग्राहक जो वैधता विस्तार कराने में सक्षम नहीं है, उनकी वैधता को 5 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि ग्राहकों के पास आने वाली कॉल उन्हें मिलती रहे। इस समय दुकानें बंद हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिचार्ज नहीं करवा पाने वाले ग्राहक घर बैठे रिचार्ज और अपनों की मदद से रिचार्ज सेवा के माध्यम से रिचार्ज का अनुरोध भी कर सकते हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए टोल फ्री नंबर 5670099 पर रिचार्ज हेल्पलाइन शुरू किया गया है। लॉकडाउन के समय वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस के बढ़ने की वजह से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की मांग भी बढ़ गई है। लॉकडाउन में स्थानीय बाजार में डोंगल, मॉडम और फाइबर केबल उपलब्ध नहीं होने की वजह से सामान को मेरठ से मंगवाया जा रहा है। बीएसएनएल हमेशा समाज कार्यों के लिए अग्रणी रही है। किसी भी क्षेत्र में हो, बीएसएनएल की जो पहुंच है वो भारतवर्ष के हर कॉर्नर में। और अभी कोविड-19 की वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो बीएसएनएल हमेशा अपने उपभोक्ताओं के साथ और समाज के साथ हमेशा खड़ा रहता है। जैसा अभी उपभोक्ताओं को 40 दिन की 5 मई तक की वैलिडिटी बढ़ाने के हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए और लगभग 40,000 लोगों को जो है इसका फायदा पहुंचा है। और वैसे भी जब से कोविड-19 ये पैंडेमिक सिचुएशन हिंदुस्तान में उत्पन्न हुई है, बीएसएनएल ने हर अपने उपभोक्ताओं को कॉलर ट्यून के जरिए जागरूक करने का भी कार्य किया है। हर उपभोक्ता नंबर डायल करने से पहले जो भी उसके ज़रूरी निर्देश हैं वो उसको बात करने से पहले उसको सुनाई देते हैं। सर, कितने उपभोक्ताओं को इस योजना से फ़ायदा मिलने जा रहा है? जो वैधता अभी बढ़ाई है उसमें मुरादाबाद क्षेत्र में जो भी जिले आते हैं, संभल है, अमरोहा है, तो लगभग 40,000 उपभोक्ताओं का इसको सीधा सीधा फायदा पहुंचा। क्या सर भविष्य में ये जो वैलिडिटी बढ़ेगी तो क्या जो दूसरे रिचार्ज पे उसमें डिडक्ट होगा? ऐसा अभी कोई निर्देश नहीं है, अभी तो ये उपभोक्ताओं को ये सुविधा दी गई है टोटली फ्री फ्री की सुविधा आ रहे हैं हर से। नहीं, जो भी जरूरी उपकरण होते हैं वो हम समय समय पर मंगाते रहते हैं। अब चूँकि हमारा जो सेंट्रलाइज स्टोर है वो मेरठ में है, तो मेरठ से जो केबल वगैरह हैं या कुछ और कार्ड्स इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ से समय समय पर, जिससे कि हमारी जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से निर्बाध रूप से, चाहे वो जनता के लिए हों या प्रशासन के लिए।